फ्रीलांसिंग कितनी सही चीज है ना यार, अपने बॉस खुद हैं हम, कोई इंस्ट्रक्शंस पास करने वाला नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, मतलब कंप्लीट कंट्रोल ओवर लाइफ। बहुत हद तक ये जो डिस्क्रिप्शन है ना ये सही है, बट कुछ चीजें हैं जो अगर गलत हो गई ना, कुछ पॉइंट्स जिन पे आपने अगर ध्यान नहीं दिया ना, तो ये जो लाइफ अमेजिंग होने वाली है फ्रीलांसिंग वाली, वो मिजरेबल हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से निकाले हैं, जो मैंने ये ध्यान रखा है कि मैंने जो लाइफ में फेस किया वो आप ना फेस करें, उसको देखते हुए मैंने वीडियो बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रेलेवेंट स्किल्स लेते रहिए। मतलब सपोज आप ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में हैं, आपके नीचे ग्राफिक डिजाइनिंग, अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपके क्लाइंट भी अच्छे चल रहे हैं, बट होता क्या है, अब आपने वो तो उसमें तो आपने क्वालिटी भी ले आए हैं और आपको एक्सपर्टीज भी हो गया है, लेकिन अब वो चीज़ें कैसे काम करती हैं, मतलब मार्केटिंग कैसे काम करती है, उस जो ग्राफिक आप डिज़ाइन करते हो मार्केटिंग में क्यों यूज़ किया जाता है, उससे कैसे मैसेज डिलीवर किया जाता है, वो कस्टमर की साइकोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और एग्जिस्टिंग जो ग्राफिक के यूजेज हैं उसके अलावा और क्या यूजेज हो सकते हैं, इस तरह की जो नॉलेज है ना इस पर एनहांस करते रहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि सपोज़ अब आपको नेगोशिएट करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ, अगर कोई बड़ा क्लाइंट है तो वो टाइम लेता है कन्वर्जन में, ठीक है, लीड होने से लेकर कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो अब आपको नेगोशिएशन स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन देना पड़े तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो कोर स्किल्स है उस पर स्किल्स को एड ऑन करते रहिए, यही एक तरीका है फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होने का, क्योंकि अगर आपने स्किल्स एड ऑन नहीं करी ना तो एक टाइम बाद क्या होगा कि कोई और बंदा होगा जो वो कर रहा होगा, जो अपनी कोर स्किल्स के साथ दूसरे एरियाज की स्किल्स को अपने वर्क में इनपुट दे रहा होगा, यूज कर रहा होगा, अगर वो दूसरी एरियाज से स्किल्स ला के अपने वर्क में डाल रहा है तो वो अपने वर्क क्वालिटी को बेहतर ही नहीं बना रहा है, ये भी प्रूव कर रहा है कि नहीं मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं करता हूँ, मैं उसको ओवरऑल तरीके से देख के काम करता हूँ। तो कोई भी क्लाइंट है उसको वो बंदा आपके ऊपर ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसके जो वर्क होगा ना उसमें वो इम्पैक्ट दिखेगा जो उसने दूसरी स्किल्स लेके इनपुट किया है उसमें, ठीक है। तो अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए, ना सिर्फ कोर वाली को बट एडवांस रिलेटेड फील्ड्स को भी। सेकेंड इज मेंटेनिंग बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, जब हम फ्रीलांसिंग की फील्ड में आते तो हमारे पास इतने क्लाइंट्स नहीं होते, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम स्टार्ट करते हैं, हम वर्क करते हैं, हम अपने सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं, हम धीरे धीरे अपनी जो क्लाइंट बेस है उसको बड़ा करते हैं, ठीक है, बट एक पॉइंट आता है उसके बाद आप उतना वर्क नहीं कर पा रहे होते जितने आपकी डिमांड होती है, तो वहाँ पर जाके आपको रिजेक्शंस, टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग और अपने आप को बहुत फोकस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस क्लाइंट का काम आपको करना है, किस क्लाइंट को आपको मना करना है, कौन से काम का आपको ज़्यादा फोकस देना है, ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ वर्क कर रहे हैं, वर्क है आप कर रहे हैं बट आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं है, आपका मेंटल जो स्टेट है वो बिगड़ रहा है क्योंकि आपके पास स्ट्रेस ज़्यादा है, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, तो कोई सेंस नहीं है फ्रीलांसिंग में आने का। फ्रीलांसिंग का बेसिक फंडा है कि आपके पास फ्रीडम होना चाहिए थोड़ा। अगर आप फ्रीडम ही नहीं लेना चाहते तो आप जाके किसी कंपनी में जॉब कर लीजिए ना यार, वहाँ पे शायद ज़्यादा सैलरी भी दे देंगे, हो सकता है आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाए वहाँ पे। बट फ्रीलांसिंग में अगर आप आए हैं तो कुछ सोच के आए होंगे कि मुझे लाइफ में थोड़ा फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अपनी टाइम को वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ काम करे जा रहे हैं एग्जॉस्ट हो गए, बर्नआउट हो गए, उसके बाद फिर आप सोचिए। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आया, तो मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपकी हेल्थ इश्यूज होने लग गए। अब आप सोचिए, आप
सिर्फ अकेले हैं जो काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा छुट्टी देने वाला कोई कंपनी नहीं है जो आपको पेड लीव्स देगी। सेकेंड चीज़, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जाओगे ज्वाइन कर लोगे और फिर से आपको सैलरी मिलने लग जाएगी। नहीं, आपका जो क्लाइंट बेस है वो पूरी तरह सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है। तो ये फ्रीलांसिंग का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं होता है कि इसमें सब चीज़ें आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। ठीक है, अगर आप बीमार हो गए या बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज रहने लग गए तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस है, अगर आप काम ही नहीं कर पाएंगे तो आपका फ्रीलांस करियर तो फिर ख़त्म ही होने वाला है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको वर्क और लाइफ, हेल्थ, सबको बैलेंस करके चलना है। अपने माइंड में शांति रखिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम दीजिए और काम उतना ही लीजिए जितना आप हैंडल कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा बर्डन लेने से अच्छा है कि अपने प्राइजेस को धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। कम काम में उतनी ही आप जो इनकम है वो थोड़ी जनरेट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने वर्क के अराउंड रूल्स बनाइए। रूल्स जैसे कि आप कब अवेलेबल रहते हैं, आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है, आपके रेट्स क्या हैं और आप कौन कौन सा काम करते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम होने वाली है कि स्टार्टिंग में क्लाइंट्स कम है तब आप मैनेज कर लेंगे, बट जैसे जैसे आप लैडर चढ़ेंगे और क्लाइंट्स आपके बढ़ने लगेंगे तो उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपकी अवेलेबिलिटी अगर क्लियर नहीं है, आपका टर्न अराउंड टाइम क्लियर नहीं है ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अपने आप जो क्वालिटी और टाइम आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में देते ना, उसको मैनेज करने में उतना उससे ज़्यादा आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने अराउंड रूल्स बना लीजिए, बार बार उसको चेंज करने की जगह उसको ही बिल्ड, उसी के आसपास अपना क्लाइंटेल बिल्ड करिए कि उस रूल्स को लेकर मैं किन लोगों को सर्व कर सकता हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट इज अपनी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाइए। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे आप रजिस्टर होकर क्लाइंट्स लाते हैं, अच्छी बात है, बट डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने में आप सोशल मीडिया पे, आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कीजिए, जो बट रेलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये नहीं कि बस प्रेजेंस बढ़ानी है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट, वो नहीं करना है। आपको स्ट्रैटेजिकली ये डिसाइड करना है कि आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको, आपके जो क्लाइंट हैं या आपसे रिलेटेड लोग हैं वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, कैसे आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, किस टाइप के आपका जो कंटेंट रहेगा, जो आपकी थॉट्स रहेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उस थॉट से। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए और डिजिटल प्रेजेंस को ओवरऑल देखें तो उसमें अपना एक ब्लॉग, वेबसाइट कुछ रखिए, अपने वहाँ थॉट शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखी है लोगों की कि भैया पोर्टफोलियो नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, पोर्टफोलियो नहीं है ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। ठीक है ना, आप पोर्टफोलियो हमेशा अपना खुद का बना सकते हैं। आपने ये चीज़ मैं फोटोग्राफर्स में मैंने बहुत अच्छी देखी है, उनका एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है। कोई भी फोटोग्राफर है उसको अगर वर्क नहीं मिल रहा ना तो वो खुद के पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करता है, पेड वर्क की जगह वो ये फोकस करता है कि मैं एग्जिबिट कैसे कर पाऊंगा कि मेरे पास स्किल्स क्या है। तो कोई भी फ्रीलांसर हो ये ज़रूर कर सकता है। आप पोर्टफोलियो बना के उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप अगर डालेंगे, सपोज आपकी कोई वेबसाइट है या आप अपना ब्लॉग है, वहाँ पे जाके अपने थॉट शेयर करते हैं, वहाँ पे अगर जाके आप अपनी स्किल्स शेयर कर पाएंगे तो वो अपने आप में एक पोर्टफोलियो बन रहा है आपका। तो डिजिटल प्रेजेंस ना सिर्फ क्लाइंट या लीड जनरेट करने में हेल्पफुल होती है, वो अपने आप में आपका एक पोर्टफोलियो होता है। तो अगर आप उस पर मिस कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं टोटैलिटी में। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप धीरे धीरे करके स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप कोशिश करिए, जो जो प्लेटफॉर्म्स आपको लगते हैं उस पर थोड़े से कोशिश करिए, वर्क करिए, स्टार्ट करिए और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएं और जैसे जैसे एनालिटिक्स दिखें आपको उसमें इम्प्रूव करते जाइए। नेक्स्ट इज अपना रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिए। ईमेल का यूज़ बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि सपोज आपको कोई क्लाइंट है, उसने आपको रिक्वायरमेंट दी है, तो बेसिकली अगर डिजिटल वे से आए तो वो आपको मेल करेगा। बट बहुत सी बार क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट करने लगते हैं किसी क्लाइंट के साथ तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं, हम उनको कॉल पे, व्हाट्सएप पे ऐसे डिस्कस करने लगते हैं।
उससे होता क्या है, अब उसने सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन वाला बंदा है, उनने आपको रिक्वायरमेंट दी है कि ये चेंजेस करने हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट ड्राफ्ट दिया है, उसमें चेंजेस उनने कम्युनिकेट किए हैं आपको। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, ईमेल में होता है स्पेसिफिक वर्डिंग्स होते हैं, चेंजेस क्या चाहिए स्पेसिफिक होता है बहुत। कॉल में और व्हाट्सएप में हम बहुत इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब उनने रिक्वायरमेंट्स दे दी है, आपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंजेस कर दिए हैं। अब जब आप उस रिक्वायरमेंट जो थी उस चेंजेस के हिसाब से सेकेंड ड्राफ्ट तैयार करके भेजते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो बोलेंगे मैंने ये नहीं कहा था। अब आपके पास क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं था, तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि नहीं यही कहा गया था क्लाइंट की तरफ से। आपने उसमें फिर वो होता है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। अब या फिर आपने मेल पे ये कम्युनिकेट नहीं किया था कि मैं कितने ड्राफ्ट्स देती हूँ या देता हूँ इस प्राइसिंग में, ठीक है। तो अब आपने कम्युनिकेट तो किया नहीं था, कॉल पे किया था, फिर उसको लेकर या तो वो भूल जाएंगे कि भाई ऐसी कुछ बात हुई थी, हो जाता है बहुत सी बार क्लाइंट्स के साथ कि वो भूल जाते हैं आपने क्या कहा था, ठीक है। तो अगर वो डिस्कशन वो भूल गए तो फिर वो बाद में जाके प्रॉब्लम होती है कि नहीं मेरे को दो ड्राफ्ट चाहिए, तीन ड्राफ्ट चाहिए, फिर फाइनल पे काम कर पाएंगे हम, या फिर रिविजन्स हैं तो दो तीन रिविजन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, तब जाके फाइनल हम कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन अगर होगा तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि रिविजन्स मैं कितना करता हूँ, ड्राफ्ट में कितना करता हूँ, ये आपके जो रूल्स हैं जो मैंने पहले पॉइंट में बात की थी, वो रूल्स को आप रिटर्न वे में कम्युनिकेट कीजिए, रिटर्न कम्युनिकेशन पे फोकस रखिए अपना। तो इससे आपको जो है ना चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने में बहुत आसानी होगी। सिक्स्थ पॉइंट इज़ कि फ्रीलांसिंग में ये पे लेटर सर्विसेज ऑफर करना बंद कर दीजिए। आपको अगर सुकून चाहिए ना फ्रीलांसिंग लाइफ में, तो इसको इंस्टेंटली अपनी जो लिस्ट है ना उससे बाहर कर दीजिए, क्योंकि जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं ना वो इसी कारण फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक टाइम बाद मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो वर्क देते हैं फिर उनको पैसे नहीं मिलते, वो वर्क दे रहे हैं बट पेमेंट डिले हो रहे हैं। भाई देखो, आप कोई बहुत बड़ी एजेंसी नहीं हो, सिंगल रिसोर्स हो आप ना, आपके पास बिलिंग डिपार्टमेंट है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो अगले बंदे को बार बार कॉल करके बोलेगा कि भैया बिल हो गया है पेमेंट कर दीजिए, 15 डेज ओवरड्यू हो गया है पेमेंट कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मत ऑफर कीजिए, आप स्ट्रिक्टली अपने रूल्स में इंक्लूड कीजिए। जो मैंने पहले बोले थे कि आप रूल्स बनाइए, उस रूल में ये ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए कि भैया मैं तो काम करूँगा तभी जब मुझे एडवांस मिलेगा, वो 30% 40% 50% कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो और आपकी फील्ड में किस तरह से कितना एडवांस लिया जाता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, उसको आपको मेंटेन करना है, ठीक है। जब तक वो एडवांस नहीं आएगा आप वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो बचा कुचा पेमेंट है वो भी आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्क या तो जाने से पहले, ठीक है, या फिर जाने के बाद आपको इंस्टेंटली मिल जाए। इंस्टेंटली मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम चेक करेंगे, उसके बाद रिविजन एक प्रोसेस है हमारे वहाँ इंटरनल चेक होगा, अगर आप रिविजन ऑफर करते हैं तो रिविजन के बाद आएगा, वो डिपेंड करता है चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर कि आप रिविजन कितने ऑफर करते हैं। जैसे भी वो प्रोसेस ख़त्म हो जाए रिविजन का, जब फाइनल ड्राफ्ट ओके हो जाए या फाइनल पीस ओके हो जाए, तो आप वो सेट करिए कि अगर मेरा फाइनल ड्राफ्ट या फाइनल पीस ओके हो गया है तो उसके कितने टाइम बाद मेरे को पेमेंट चाहिए, वो आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। नहीं तो क्या है, थोड़े टाइम बाद आप बस वर्क कर रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं, आप जाके फोरम्स चेक करिए, फ्रीलांसर्स फोरम्स में सबसे ज़्यादा लोग इसी बारे में बात करते हैं कि भाई मैंने वर्क दे दिया बट उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आपके पास रिकोर्स नहीं होता है, वो जो बंदा होता है वो फेक होता है, ठीक है, वो अपनी आईडी डिलीट करके निकल लेगा। ईमेल आईडी होती है, आप उस पर मेल करिए, रिस्पांस नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं, रियलिटी है, इसको फेस करिए, इसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट बोलता है नहीं देंगे हम आपको एडवांस, तो आप काम मत करिए, वो आप है ना, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा एक चांस जा रहा है तो वो आप गलत सोच रहे हैं। वो क्लाइंट अगर आपको नहीं दे रहा है एडवांस, तो उससे बात करिए कि मैं बिना एडवांस के काम नहीं कर पाता हूँ, यही कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर वो फिर भी नहीं समझता तो प्लीज़ उसके साथ काम मत करिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए।
ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए। क्रेडिट कार्ड मत बनिए कि मैं अभी सर्विसेज दे रहा हूँ और 45 डेज बाद मेरा मैं पेमेंट लूंगा, मत करिए, छोड़ दीजिए। डेडलाइन एंड वर्क क्वालिटी मैनेजमेंट इज नेक्स्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये दो चीज़ है ना, करियर ख़त्म कर सकती है, फ्रीलांसिंग करियर ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें काफ़ी है। अगर आपके डेडलाइंस आप मीट नहीं कर पा रहे हो और आपकी वर्क क्वालिटी जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, जो रिक्वायर्ड है वो उस हिसाब से नहीं है, तो आपका फ्रीलांसिंग करियर ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाला है। दीज टू थिंग्स आर लाइक पेट्रोल, यू नो, फ्यूल है ये। अगर आप इसको डालते रहेंगे टाइम पे, इसको मेंटेन करते रहेंगे अपनी गाड़ी में फ्रीलांसिंग के, तो ये चलती रहेगी गाड़ी। आपने इसको अपनी गाड़ी से बाहर निकाला, आपकी गाड़ी में फुल स्टॉप लग जाने वाला है। तो ये दो चीज़ें आप इमेजिन करके देखिए, कोई क्लाइंट है जिस आप ही क्लाइंट है सपोज़, अब आपके साथ एक बंदा है जो बार बार डेडलाइंस मिस करता है, ठीक है, और एक्सक्यूजेस देता है। वर्क क्वालिटी का भी सेम इशू है, दोनों में से कोई एक इशू भी अगर है, परसिस्टेंट है वो, तो आप क्या काम करेंगे उसके साथ? मैं तो नहीं करूँगा, मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं बार बार उसको बोलूँ भाई मेरे को वर्क दे दो, मेरे को वर्क दे दो, मेरे को और भी चीज़ें करनी है, ठीक है। सेकंड, अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो मैं आपके साथ क्यों कराऊँ? और भी फ्रीलांसर्स हैं मैं जिनसे काम करवा सकता हूँ, मैं आपसे क्यों काम करवाऊँगा, ठीक है ना। आप भी जब कोई कारपेंटर हुआ या प्लम्बर हुआ, कोई भी बंदा है जिसको आप हायर करते हो अपने घर के लिए या अपना घर वाइट वॉश करना है, तो ही आप किसी बंदे को कब हायर करते हो? जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। अगर आप क्वालिटी नहीं है आपके वर्क में तो आपको क्यों कोई हायर करेगा? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके पास वर्क तभी आएगा जब अपने आपको आप मेंटेन कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड डेडलाइन। तो इस पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, आप ये सब जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं इनको आप एनालाइज कीजिए, इसमें से जो आप नहीं करते हैं प्लीज़ उनको इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए, एंड जो भी आपको चेंजेस महसूस होते हैं प्लीज़ मुझे आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जो किसी के फ्रीलांसिंग करियर को बेहतर बना सकती है, उसमें हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वो भी आके मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, मिलूँगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।